थैंक यू। इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ी है और सामने से फ्रंट इसका काफी ब्रॉड है और रूबिकॉन का कम है। फाइनल ईयर काफ़ी ढूंढने के बाद एक वॉशिंग सेंटर मिला है, क्योंकि अभी तक हमारे दूसरे वाली गाड़ियां अभी पहुंची नहीं है, तो मैंने सोचा इसको वॉश करवा ही लेते हैं क्योंकि बहुत ही गंदी थी यार। तो जल्दी जल्दी से वॉश कराएंगे, तब तक बाकी सारे ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद निकलते हैं आगे। तो फाइनल ईयर हो चुकी है वॉश और अभी वेट कर रहे हैं। तो यार ये है लाइनअप, थार, थार, फिर रूबिकॉन, फिर है हमारी रैम और फिर थार, थार, फॉर्चुनर, 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 स्कॉर्पियो एंड लास्ट। मेन फोकस है हमारा रैम और रूबिकॉन, देखते हैं दोनों कैसा परफॉर्म करती हैं स्नो में। और यहाँ पे अभी ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं। लाइनअप लग चुका है, पीछे भी आप चेक कर सकते हो, सारा लाइनअप है और ये व्यू है। अभी यहाँ से ड्रोन शॉट्स आ रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे, तो सीधा मिलेंगे अब आपको जाके यहाँ डेस्टिनेशन पे। अगर बीच में कुछ होगा इंटरेस्टिंग तो आपको दिखाएंगे, तो मिलते हैं आपको आगे जाके। अब थैंक यू। यार व्यू चेक करो यार, मतलब ठंड नहीं है, धूप है। और यहाँ पे रुके हैं फ्यूलिंग के लिए, वो खड़ी है गाड़ी रैम। और अभी ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं और वहाँ पे स्नो काफ़ी है, इस साइड स्नो कम है, तो लेट्स गो। फ्यूलिंग के बाद यार यहाँ पे रुके हैं अभी कैफ़े पे वॉशरूम के लिए। और ये खड़ी है रैम, उसके पीछे है येती, उसके पीछे है रूबिकॉन, उसके पीछे थार, आइसुज़ू, बाकी काफ़ी अच्छे सीन्स हैं। अभी निकलेंगे यहाँ से। तो भाई फाइनली हम पहुँच चुके हैं नाको और यहाँ पे अभी रुके हुए हैं खाना शाने के लिए, लंच के लिए। तो बाकी सारे अभी खाना खा रहे हैं, तो हमने खाना खा लिया था। तो अभी आपको लाइनअप चेक करवाते हैं गाड़ियों का। तो अभी गाड़ियाँ आगे गई हैं और एक अनु ने लेके गया हुआ है, उसकी रैम यहीं पे खड़ी है। तो आपको एक बारी गाड़ियाँ चेक करवाते हैं। तो ये गाड़ियाँ हैं फॉर्चुनर, फॉर्चुनर स्कॉर्पियो, फॉर्चुनर थार, थार, आइसुज़ू, फिर हमारी रूबिकॉन और रैम। दो थार अभी गई हुई हैं जो आगे गए हैं, और आइसुज़ू, ये आइसुज़ू हमारी ऑफिशियल गाड़ी है और यहाँ पे चल रहा है फ़ोटोशूट रैम के साथ, अपनी रूबिकॉन के साथ। और यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। बाकी अभी आपको छोटा सा एक रैम का और रूबिकॉन का रिव्यू देते हैं। हाइट में ऑलमोस्ट टायर का इतना डिफरेंस नहीं है, और देखने में जो रैम का है वो टायर बड़ा लग रहा है। लेट्स सी अभी। तो अभी आपको एक, अगर आप हाइट देखोगे तो हाइट इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ी है और सामने से फ्रंट इसका काफ़ी ब्रॉड है और रूबिकॉन का कम है। और इसके टायर साइज़ का अगर हम चेक करें तो इसका टायर साइज़ है 35 12.5 R18। और वही हमारी रूबिकॉन का है जो वो है 33 12.5 R20। और लेंथ में काफ़ी लंबी है यार रैम। अभी जब हम रील्स वगैरह भी शूट कर रहे थे तो पिकअप तो काफ़ी है, V8 इंजन है तो पिकअप तो ऑब्वियस है काफ़ी होगी। और लेंथ में रैम काफ़ी लंबी है और देखने में ही काफ़ी ब्रॉड लग रही है यार।
तो मेन गाड़ियां स्पीति की हमारी जो दो ये मेन गाड़ियां हैं, क्योंकि अनु ने भी स्पीति में जाके इसकी टेस्टिंग करनी है और मैंने भी अपनी रूबिकॉन की टेस्टिंग करनी है। तो मेन हमारा यही चल रहा था कि वहां पे जाके स्नो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अभी तो अनु ने गया हुआ है कहीं पे, तो अभी जैसे ही वो आएगा तो फिर हम आपको भी बताएंगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं। थोड़ा सा एक्सट्रीम करना है, लेकिन जहाँ तक हमें आइडिया है कि वहाँ पे धूप काफ़ी निकली हुई है तो वो स्नो थोड़ी पिघल रही है, और अभी कोई स्नो का वेदर में वेदर फोरकास्ट में दिखाया नहीं है। तो लेट्स सी कितनी स्नो मिलती है, पर हम कोई ना कोई स्नो एरिया वहाँ पे ढूंढेंगे जहाँ पे इसकी टेस्टिंग हो रैम की भी और रूबिकॉन की भी अच्छे से। तो अभी सारे खाना खा के आएंगे, तो उसके बाद चलते हैं और फिर आपको बताते हैं आगे के सीन्स। तो अभी बस निकलने लगे हैं, तो अभी निकल रहे हैं यहाँ से आगे। लेट्स सी अब नेक्स्ट डे कहाँ लगती है, मे बी डेस्टिनेशन पे जो कि है टैबो। तो लेट्स गो। तो फाइनली यार पहुंच चुके हैं टाबो, और ये है हमारा होम स्टे आज का, और बाकी गाड़ियां भी आ रही हैं यहाँ पे। गाड़ियां बस क्योंकि थोड़ी पार्किंग की जगह कम है तो गाड़ियां थोड़ी पीछे लग रही हैं, थोड़ी बाहर लग रही हैं। रैम और रूबिकॉन को हमने पहले लगा दिया, और बाकी गाड़ियां जितनी लग सकती हैं वो लगेंगी। और चलते हैं आगे, खाना छाना खाते हैं और बाकी के सीन्स देखते हैं क्या बनते हैं, अभी फिर आपको बताते हैं। मेन चीज तो रह गई, वो लेते हैं वॉकी टॉकी और लैपटॉप। बाकी चलते हैं रूम में और आपको रूम भी दिखाते हैं, पहले इनको लॉक कर लूं। तो लेट्स गो, चलते हैं और आपको रूम दिखाते हैं साथ में। यहाँ से हमारा फर्स्ट फ्लोर पे, और गेस्ट हाउस काफी अच्छा है यार, होम स्टे रूम वाइज अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है ये हमारा रूम। सो ये है हमारा होम स्टे, होम स्टे के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा रूम है यार, और बैल्कनी है, वॉशरूम यहाँ पे लॉक रहता है, यहाँ पे कॉमन वॉशरूम है बिकॉज पानी फ्रीज्ड है सारा। और ये बैल्कनी है, और अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो हम यहीं पे कुक करने वाले हैं। तो यार आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म, अभी डिनर करेंगे और आज के कुछ ऐसा प्लान नहीं है, अगर कुछ होंगे तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा, अदरवाइज़ आज के इतने ही प्लान्स हैं। और अभी हम डिनर विनर करके सोएंगे, और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने निकलना है स्पीति के लिए, तो कल मिलते हैं आपको स्पीति में, और थोड़ा एक्सट्रीम एडवेंचर कुछ ऑफ रोड ढूंढेंगे और ऑफ रोड करके दिखाएंगे रैम के साथ और रूबिकॉन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।